नमस्कार दोस्तों, रीता चौहान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव अग्रवाल। आज हम यहाँ एक टॉपिक है डेसी टॉक। DSSB के सिलेबस में जो 6 यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये टॉपिक है डेसी टॉक। डिफेंस, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। दोस्तों, इसको समझने के लिए जिसकी पैरेंट बॉडी है DRDO, उस पर पहले हम बात करेंगे, फिर हम डेसीडॉक पे आएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन DRDO। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंदर एक संगठन है जो सैन्य एवं रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। यह एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल आदि रक्षा उत्पादनों का उत्पादन या आपूर्ति करता है। तो DRDO की जो रक्षा वैज्ञानिक, तकनीकी, एयरस्पेस वैज्ञानिक, बेमान की सूचना संबंधी जरूरतों को समय पर एवं निर्बाध आपूर्ति के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो इसकी सूचनाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर सके, ताकि भारत सरकार के रक्षा संबंधी प्रोजेक्ट समय पर तरीके से पूरे हों। इसका मैं आप लोगों को चार्ट बना देता हूं। DRDO डिफेंस साइंस लाइब्रेरी, रक्षा विज्ञान पुस्तकालय। DRDO के अंदर एक बॉडी है डेसीडॉग, और डेसीडॉग के अंदर है DSL, यानी डेसीडॉग जो है वो DSL को मेंटेन करता है, संचालित करता है। जो DSL है वो DRDO का एक केंद्रीय पुस्तकालय है। ये पूरा टॉपिक हमारा DRDO, डेसीडॉग और DSL के अंतर्गत हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इसका एक चार्ट है। DRDO के अंदर एक बॉडी है डेसीडॉग, जो DSL डिफेंस साइंस लाइब्रेरी रक्षा विज्ञान पुस्तकालय को संचालित या मैनेजमेंट करती है, और DRDO केंद्रीय पुस्तकालय है DSL, जो DSL मेंटेन किया जाता है डेसीडॉग के द्वारा। ये आप नोट कर लें। हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डेसीडॉग के कार्य क्षेत्र, डेसीडॉग के क्या क्या, किन किन क्षेत्रों में डेसीडॉग कार्य करता है। उसके बाद हम डेसीडॉग का विकास हिस्ट्री, यानी डेसीडॉग ने किस किस प्रकार यात्रा तय करते हुए ये DRDO के स्वतंत्र लैब के रूप में अस्तित्व में आया। इतिहास या विकास क्रम। उसके बाद हम बात करेंगे डेसीडॉग के उद्देश्य,
यानी डेसिडो के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डेसिडॉग की एक्टिविटीज की, डेसिडॉग के क्या क्या क्रियाकलाप हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल एरिया एंड एक्टिविटीज, कार्य क्षेत्र और उसकी गतिविधियां। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डेसिडॉग के पब्लिकेशन प्रकाशन, जहां से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में रहता है प्रकाशन। इसके बाद करेंगे डेसिडॉग की संगठन, डेसिडॉग का अभी जो फिलहाल निदेशक या अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों हम 7 टॉपिक के अंदर हम इस पूरे डेसिडॉग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न, जो विभिन्न एग्जाम में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, और कौन कौन से प्रश्न अभी आ सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न बनते हैं हम उस पर भी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कार्य क्षेत्र, कि डेसिडॉग के कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला है इसका रक्षा विज्ञान, प्रयोगशाला। इसके बाद नेटवर्क सर्किट में यह कार्य करता है। इसके बाद ई सर्विस, देन नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बाद इसके कार्य क्षेत्र में है नेक्स्ट वीडियो प्रोग्राफिक सर्विस, इसमें हमारी फोटोकॉपी सेवाएं आती है। इसके बाद प्रकाशन यानी पब्लिकेशन कार्यक्षेत्र, मुद्रण कार्यक्षेत्र। ये डेसिडॉग के कार्यक्षेत्र है, पहला रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क सर्विस, ई सर्विस, डिजिटल लाइब्रेरी एंड डिजिटल पुस्तकालय सेवा, रिप्रोग्राफिक सर्विस, प्रकाशन, मुद्रण। ये डेसिडॉग के हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। इसके अलावा इसमें हम एक और देख सकते हैं मल्टी मीडिया। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि डेसिडॉग के कौन कौन से कार्यक्षेत्र हैं, या निम्न में से डेसिडॉग के कौन कौन किस कार्यक्षेत्र में से कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद हम डेसिडॉग की हिस्ट्री या डेसिडॉग की विकास यात्रा देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। डेसिडॉग के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं ये आपस में निकट संबंध में क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हुए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को अपनी सेवाएं अपनी सर्विस उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका विकास क्रम। सर्वप्रथम 1948 में 1948 में डीआरडीओ में एक लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1958 में इसे डीएसएल यानी डिफेंस साइंस लेबोरेटरी, रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला
डिफेंस साइंस लेबोरेटरी रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो वैज्ञानिक सूचना विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट 1967 में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो वैज्ञानिक सूचना विभाग को पुनर्संगठित करते हुए इसका पुनर्नामकरण किया गया और इसे डेसीडॉक के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन अभी भी यह रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा था, अभी यह स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट 29 जुलाई 1970 को डेसीडॉक को आत्मनिर्भर बनाते हुए डीआरडीओ की एक स्वतंत्र लेबोरेटरी एक स्वतंत्र लैब के रूप में स्थापित किया गया। तो ये है डेसीडॉक का विकास क्रम या इसकी हिस्ट्री, इसको हम नोट कर लेते हैं। में डीआरडीओ की एक लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1958 में इसे डीएसएल, यहाँ पे डीएसएल डिफेंस साइंस लाइब्रेरी नाउ के लेबोरेटरी यानी रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, इसे डीएसएल रक्षा विज्ञान के अंतर्गत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो वैज्ञानिक सूचना के रूप में स्थापित में इसे डीएसएल के प्रशासनिक नियंत्रण में के अंतर्गत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो वैज्ञानिक सूचना विभाग के रूप में स्थापित किया, यहां पे प्रशासनिक नियंत्रण इसके बाद नेक्स्ट है 1967 में इसे पुनर्संगठित व पुनर्नामकरण करते हुए डीएसएल के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया। अभी जो डेसीडॉक है वो डीएसएल डिफेंस साइंस लेबोरेटरी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है, यानी अभी यह स्वतंत्र नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 29 जुलाई 1970 को इसे डीआरडीओ की एक लैब के रूप में स्थापित किया गया आत्मनिर्भर बनाते हुए। एक स्वतंत्र लैब
आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसका बिल्डिंग, इसका परिसर ये कहाँ स्थित है। यह दिल्ली में मेटकॉप भवन स्थित है। यह दिल्ली में मेटकॉप भवन में स्थित है और मेटकॉप भवन एक राष्ट्रीय स्मारक है। तो इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात कि जो डेसी डॉग है वो डीआरडीओ के केंद्रीय सूचना संसाधक के रूप में कार्य करता है। यह डीआरडीओ के लिए केंद्रीय सूचना संसाधक के रूप में आप साथ ही साथ इसे नोट करते रहें। ये इसका विकास क्रम कंप्लीट होता है।